please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में दो लड़के कुछ पुलिस वालों के साथ खड़े हुए थे। इन दोनों लड़कों पर कई मोटरसाइकिलों को चुराने का आरोप है, जिसके बाद पुलिस ने दोनों शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास से 10 मोटरसाइकिल और कई तरह के मोटर पार्ट भी बरामद किए हैं। पुलिस का दावा है कि दोनों शातिर चोर अलीगढ़ के अलग अलग हिस्सों में मोटरसाइकिल चुराते थे और पुलिस को दोनों की तलाश काफी वक्त से थी। दो शातिर चोरों को पकड़ा है, जिनके पास से 10 चोरी की बाइकें बरामद की गई हैं, जिसमें से कुछ कटी हालत में थीं। और ये बाइकें थाना क्वारसी, कोतवाली, सिविल लाइन और अन्य थाना क्षेत्रों से चोरी की गई थी, जो पहचान ली गई हैं। इसमें से दो अभियुक्तों को इन्होंने गिरफ्तार किया है, बाकी की तलाश ये कर रहे हैं और इनको जेल भेजा जा रहा है। रिलायंस जियो ने डिजिटल एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म को बेहतर बनाने के लिए स्क्रीन्स नाम की कंपनी के साथ करार किया है। इस करार के तहत जियो खेल और एंटरटेनमेंट दोनों को जोड़कर एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करेगा। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म की खासियत यह होगी कि ग्राहकों को ऑनलाइन क्विज और गेम्स में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। ये बहुत कुछ उसी तरह होगा जैसा जियो ने IPL के दौरान जियो क्रिकेट प्ले अलॉन्ग और KBC प्ले अलॉन्ग की शुरुआत की थी। जियो क्रिकेट प्ले अलॉन्ग के 6.5 करोड़ रजिस्टर्ड यूजर हैं। कंपनी दावा कर रही है कि स्क्रीन्स के साथ हुआ करार एंटरटेनमेंट के साथ इंटरएक्टिविटी को जोड़ने की कोशिश है, यानी ऐसा एंटरटेनमेंट जिससे लोग खुद को जोड़ भी पाए। तेजस्वी यादव ने बिहार के राज्यपाल से सरकार बनाने का मौका मांगा। कर्नाटक में BJP सरकार के गठन के बाद तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर बताया कि वो राज्यपाल से मुलाकात कर कर्नाटक की तरह बिहार की सबसे बड़ी पार्टी RJD को सरकार बनाने का मौका देने की मांग करेंगे। कल जो गवर्नर साहब से मिलेंगे, हमारा क्या दावा होगा उसको लेकर के हम आप लोगों के सामने रखने का काम किया। दिल्ली के बवाना में मुनक नहर में नहाने गए दो इंजीनियरिंग के छात्र डूब गए। दिल्ली हाईकोर्ट ने भीख मांगने को अपराध की श्रेणी से बाहर रखने वाली याचिका पर पूछा कि अगर सरकार जनता को खाना या नौकरियां देने में असमर्थ है तो भीख मांगना अपराध की श्रेणी में कैसे रखा जा सकता है। महाराष्ट्र कैबिनेट ने मुंबई में सरकारी प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण में तेजी लाने के लिए नया फॉर्मूला तैयार कर लिया, जिसके तहत एक मुश्त मुआवजा दिया जाएगा। उत्तराखंड की टिहरी झील पर पहली बार चलती नाव में हुई त्रिवेंद्र रावत की कैबिनेट बैठक में रोजगार और पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। चौथी तिमाही में पंजाब नेशनल बैंक को हुए जबरदस्त घाटे के बाद वित्तीय सेवा देने वाली कंपनी जेफरीज ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया कि बैंक को सरकार से तुरंत मदद की जरूरत है। ओमान से आए लगभग 30 युवा कारोबारियों के एक डेलीगेशन ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। NCLT यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की तरफ से अधिग्रहण की मंजूरी के बाद टाटा स्टील ने भूषण स्टील के सभी 5,000 कर्मचारियों की नौकरी बरकरार रखने का ऐलान कर दिया। बीमारी की वजह से 2 महीने से सोशल मीडिया से दूर रहे इरफान ने ट्वीट कर अपनी आने वाली फिल्म कारवां का पोस्टर शेयर कर भावुक संदेश लिखा। रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के ट्विटर हैंडल से KKR टीम के खिलाड़ियों की एक्टिंग का एक वीडियो जारी होने पर शाहरुख खान ने एक्टिंग उनके लिए छोड़ देने की अपील की। शादी के बाद सरनेम बदलने पर ट्रोल करने वालों को जवाब देते हुए सोनम कपूर ने तंज किया कि उनके पति आनंद का नाम बदलने पर किसी ने ध्यान तक नहीं दिया।